जमशेदपुर जो कि एक ग्रीन जोन है, चाहेंगे कि ग्रीन ही रहे। मुझे लगता है ये कहना सही होगा कि ऐसे तो हम हमेशा बिखरे ही रहते हैं, पर एक वायरस के वजह से हम जुड़ रहे हैं। जहां ये वायरस हमें साथ रहने का सुख दे रहा है, वहीं इसके वजह से कुछ पाबंदियां भी हमें झेलनी पड़ रही हैं। जैसे बाहर नहीं जा सकते, बाहर का पी नहीं सकते, बाहर का खा नहीं सकते, दोस्तों से भी नहीं मिल सकते। ये है हमारी कॉलोनी, छोटी सी प्यारी सी। और ये है हमारे कॉलोनी के खड़ूस सेक्रेटरी, जो इस कोरोना वायरस से काफी डरे हुए हैं और चाहते हैं कि पूरी कॉलोनी में एक भी कोरोना का केस ना आए, जिसके वजह से काफी परेशानी होती है कॉलोनी वालों को। सर, आपने मुझे बुलाया? मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम सौंपना चाहता हूँ। जी सर। ये ताम बहुत खास है, इसे तुम्हें तुना जा रहा है। जी सर, जी सर। तो तुनो। जी सर। अरे तुनो तुनो। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि कॉलोनी में कोई भी कोरोना का केस आए। कॉलोनी में बाहर का खाना बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, समझी? कॉलोनी वाले बाहर से बहुत खाना मंगाते हैं, इस पे रोक लगाओ। अपने लड़कों को बोलो कि बाहर से खाना नहीं आए। और ये बच्चे लोगों का चिप्स कुलकुले बंद करवाओ। जब देखो चिप्स कुलकुले कोल्ड ड्रिंक खाते पीते रहते हैं, अपने लड़कों को बोलो कि इन बच्चों का चिप्स कुलकुले बंद होना चाहिए। मुहूर्त तो उत्तम है, योजना का क्या? प्लान तो परफेक्ट है। अच्छा। ये है फूलन देवी, इनके पिताजी कॉलोनी के बहुत बड़े पुजारी हैं, एंड ये भी उन्हीं के राह पर चल रही हैं। और बाकी सहभागियों का क्या? चार लोग और हैं, आते ही होंगे। सब लोग अपना हाइडआउट यही है, सारी प्लानिंग यही हुई है, और अपना मकसद एक ही, अच्छा खाना। इसको पुल ऑफ कर। इन महाशय का नाम है नशा, क्योंकि ये नशा करते हैं मैगी मसाला का नशा। अबे ओ। और ये है शांति देवी, और ये अपने नाम के बिल्कुल ही विपरीत है, एक नंबर की गुंडी है ये। शांति ने बोला उधर देख। और ये मासूम से दिखने वाले इंसान शांति देवी के प्रिय बॉयफ्रेंड, और इनका नाम रुद्र प्रताप। तो देख। इनका नाम देवेंद्र दास है, उर्फ देवदास, उर्फ देव। इनकी एक्स गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़कर चली गई, ये आज तक इस चीज से उभर नहीं पाए हैं। ओ देव, आओ बैठो।
वो भी देव बुलाया करती थी। हमारा काम आसान नहीं होगा। और ये है हमारे माई बाप करता धरता और हम पागलों में सबसे समझदार, हमारे लीडर, हमारे मास्टर। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, सबसे बड़ी मुश्किल ये लोग, ये है इस छोटे से हाइस्ट गैंग के सबसे बड़े दुश्मन, द प्रिवेंटर्स। ये है एजेंट अल्फा और इनकी एक ही खासियत है जो इनकी कमजोरी भी है, वो ये है कि ये दिन भर टिकटॉक बनाते रहते हैं। ये एजेंट बीटा है, ये सारा हैकिंग और ट्रैकिंग वाला काम संभालते हैं और इन्हें पता नहीं क्या शौक है, दोनों हाथ होते हुए भी एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बॉस है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नंबर के बेवकूफ है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले एजेंट गामा। और ये है इनकी बॉस, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक, ट्रस्ट मी शी इज डेंजरस, सब इन्हें बॉस ही बुलाते हैं। मजाक लग रहा है तुम सबको, चूतिए हो सबके सब, तुम साले हैकिंग के नाम पे टॉ टॉ करता रहता है। अब क्या करें, एक ही तो हाथ है। और तुम साले हिजड़े दिन भर टिकटॉक बनाते रहता है। और तुम बाप को मत सिखाइए। तैयार रहो, कुछ बड़ा होने वाला है। फ्राइडे है, चिकन चिकन 69 कर दो। सही है, अकाउंट में पैसे खत्म हो गए मास्टर, मैं क्या करूं, शांति के पीछे सारे पैसे हो गए, मैं बहुत परेशान। चले गए पैसे, हो गया ऑर्डर। बॉस, जोमैटो से एक ऑर्डर डिटेक्ट हुआ है अपने एरिया से। माल लाए हो? पैसे लाए हो? पैसे तो लाया हूँ, पहले माल दो, पहले पैसे दो। ठीक, देख लो हो गया पेटीएम, लाओ माल दो। बॉस बॉस,
बहुत की एलिमेंट रहेगा। खेल खत्म। बैग दे दे। नहीं। खाली है। इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना। माल कहाँ है? माल तो वो थी। क्या? नीचे तो देखो। मेरा जूता फेंक ले दे, दिल छिचा ले दर। ओ हमसे पूछा वेदर लाइक वेदर। ओ हमसे पूछा वेदर लाइक वेदर। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होंगे। हाँ, तुम सबको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा। हर पॉइंट पे एक टीम मेंबर बैकअप के लिए अवेलेबल रहेगा। शांति, बस तो हमें फेंको। बहुत अच्छे, लेके चलो इसको अंदर। तोलो बैग, तोलो। ओए रुको, यही है इस प्लान का मास्टरमाइंड।
Yes.